तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो परेश का जो कंसेप्ट है यूनानी में, परेश और मार्स के इतिबार से, अगर ये टॉपिक मैं हमेशा जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए ट्रेनिंग में मेरे पास, मैं इनको ये कहते हैं कि परेश के बारे में एक ऐसा टॉपिक है ये, जो आदमी बहुत सारे चीज इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे बहस कर सकते हैं, बहुत सारे इल्म हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली उसूल इलाज के ऊपर डिपेंड है डायरेक्ट परेश। क्योंकि जिसको बीमारी की सबब नहीं मालूम वो कभी परेश बोल ही नहीं सकते। अगर जिसने जिसको बीमारी की सबब नहीं मालूम तो वो उल्टा सीधा क्या कहते हैं, परेश बता देते। जैसे कहते हैं ना कुछ लोग जो हकीम लाग से पूछ के देखो आओ गोश्त अंडा मछली वगैरह सब बंद कर डालो बोलते हैं, या समझो फलाने 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 चीज सब बंद कर डालो डॉक्टर साहब, वो मिर्ची नहीं, खट्टी खट्टी चीज मिर्ची मसाला मिर्ची और खट्टी चीज से सब दूर रहो। तो ये बोलने से हमको समझ में आता है हकीम साहब वो एक सरसरी तौर पे बता रहे, परफेक्ट मुझे परहेज नहीं बता रहे। तो हकीम साहब को खुद नहीं मालूम माहियत मर्ज के, माहियत मर्ज अगर आपको मालूम है तो कभी आप जैसे ये नहीं बोलेंगे बाबा हकीम साहब मैं घर से कब बाहर निकल सकते। तो हकीम साहब ने बोले काम करो दिन और रात में कभी कब निकलो मत, दिन और रात में कभी नहीं, दिन और रात को छोड़ दे, नहीं निकलेंगे तो फिर निकलेगा कब, दोनों हो गए जैसे बोलते ना हजर और शजर जैसे बोलते, वैसे कुल लोग सब एक साथ परहेज बताते। इससे पहले परहेज क्या चीज है, परहेज का मतलब सिर्फ रेस्ट्रिक्शन या एब्सिस्टेंस या कोई चीज को बंद करना या रोकना कम करना नहीं है। परहेज का मतलब ये है कि जो चीज हमको जरूरत है उसको जारी रखा जाए, जिसको नुकसान है उसको बंद कर दिया जाए, ये परहेज है। जैसे अभी मेरे से कुछ लोग आके पूछते डॉक्टर साहब घुटने में जो दर्द है उसमें कोई परहेज है क्या, तो मेरा परहेज कैसे रहते हैं बोलो, हाँ घुटने में परहेज है, घुटने की इलाज में क्या है परहेज, मैं बोला घुटने में परहेज ये है कि जिंदगी में कभी भी कुर्सी में बैठ के नमाज नहीं पढ़ने, क्या परहेज, जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ने का, ये भी परहेज है। ये नहीं कि सब चीज को रोकना, हमने क्या क्या समझ के रखे, हर चीज को रोकना परहेज नहीं है, परहेज जिस चीज को बताना वो भी परहेज है। तो अगर किसी ने पूछे अच्छा क्या परहेज है घुटने के इलाज में, तो ये इलाज है, मतलब कभी भी जिंदगी में बैठ के नमाज नहीं पढ़ने का, एक सुन्नत भी बैठ के नमाज नहीं पढ़ने का, ये परहेज। तो परहेज का मतलब ये कि जिसको उनको फायदे उसको रखा जाए, जिससे उसको नुकसान है वो। आज से भी 2000-3000 कबल, मैं शायद आपको बताया होगा एक बार कहीं जिक्र में, चाइना में एक रिवाज था, क्या रिवाज था मालूम, इलाज के मामले में डॉक्टर के पास इसीलिए जाते थे कि मैं बीमार न पड़े, बीमार न पड़ने के लिए डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर उसका फीस लेता था। और जिस दिन अगर मरीज अगर बीमार पड़े उस दिन से उल्टा डॉक्टर को मरीज को फीस देना पड़ता, क्या मस्त कॉन्सेप्ट है जिस दिन अगर मैं बीमार पड़े उस दिन से मेरा खर्चा मेरा फीस यानी कि मरीज का सब खर्चा डॉक्टर को उठाना पड़ता है। यानी कि डॉक्टर के पास क्यों जाते थे, मैं स्वस्थ रहूं बीमार न पड़ूं, इसलिए मैं क्या खाऊं कैसे सोऊं कितना खाओ ये मौसम में क्या खाओ जवानी में क्या खाओ बूढ़ा हो गया बच्चा हो गया इनको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, क्या बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो। अगर आप बीमार पड़ गए या तो डॉक्टर का जिम्मेदारी, आप बीमार क्यों पड़े। तो आज सोच के देखो आज के दौर में ये रूल अगर लागू कर दिया तो क्या होता था। तो इससे एक चीज साफ साफ साबित होता है, मेरे पास पेशेंट आते तो मैं पेशेंट को क्या बोलते, तुम डॉक्टर के पास क्यों आते, दवा खाने के लिए डॉक्टर के पास मत आओ, दवा खाने के लिए दवा लिखाना है तो गो टू ए मेडिकल शॉप, क्योंकि दवा के ताल्लुक से सबसे ज्यादा बी फार्म और डी फार्म जानता है।
आपको एक दर्द हो रहा है, अब तुम्हारे पास आके डोलो पैरासिटामोल खाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा ये फार्मासिस्ट के पास जाके पूछ के देखो, वो बोलेंगे सर दुख रहा है। सर दुख रहा अगर बोला तो डॉक्टर फार्मासिस्ट क्या बोलेंगे? मेरे पास आपको क्या चाहिए, आयुर्वेदिक चाहिए क्या, यूनानी चाहिए क्या, एलोपैथी चाहिए कि कौन सी पेदी चाहिए, ग्लैक्सो का चाहिए क्या, डॉक्टर स्पिल के चाहिए क्या, स्मिथलाइन का चाहिए क्या, फाइसर का चाहिए क्या, ये विप्रो का चाहिए कि पूरी कंपनी का, वो बता देंगे कॉम्बिनेशन के साथ। तुम्हारे पास क्यों आते हो? हमारे पास इसीलिए आते पेशेंट को पूछने, हमारे पास इसीलिए आते मैं बीमार न पड़ने के लिए और बीमारी न बढ़ने के लिए कोई तदाबीर या कोई चीज अगर है, उसूल है, तो वो उसूल मुझे समझाइए। इसी के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और डॉक्टर को भी ये नहीं मालूम, डॉक्टर क्या समझते मैं इलाज कर, डॉक्टर को इलाज करना नहीं करना ही नहीं चाहिए, करना चाहिए ऐसी मौके पे जहां मरीज को कर नहीं सकते, जैसे आप पैर टूटा है, डिसलोकेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ऐसी हालत में डॉक्टर को इलाज करना चाहिए, मरीज को नहीं। वरना सब चीज डॉक्टर मरीज को इलाज करें कि मरीज में ही बनाया बीमारी, अपने अपने एतबार से जिम्मेदार मरीज ही। अब हम उसको उस मरीज को बात करने के टाइम पे जैसे बुखार का भी कहना है दवा, एक्चुअली गिजा ही दवा, एक्चुअली गिजा एक्चुअली दवा है। आप कम मिकदार में अगर जो सही वक्त में अगर गिजा ही इस्तेमाल किया तो कभी कभी गिजा दवा के तौर पे काम करते हैं, हमने भी पढ़ा है तारीखों तिब में, इंसान दरिंदों के जैसे खाना खाया और हमने परिंदों के जैसे खाना खिला के उनको अच्छा कर दिया। यह मेरा कहने का मतलब, परहेज एक बेहतरीन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज आप उठा के देखो परहेज के मामले में, पुराने जमाने में हमको छोड़ के, यानी यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसिन को छोड़ के मॉडर्न मेडिसिन के तरफ पब्लिक भागने की तीन चार सबब में अव्वल सबब एक था परहेज, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में परहेज नहीं था। तो दुनिया क्या किया है, हकीम साहब और वाइफ का बहुत परहेज है, वो मत खाओ, चावल मत खाओ, ये मत खाओ, तो दुनिया भर के परहेज बताते हैं, डॉक्टर ऐसा जीना मुश्किल है, समझ के इन लोग ने क्या किया, यूनानी को छोड़ के मॉडर्न की तरफ भाग गया। यूनानी बहुत स्लो एक्टिंग करता है बोल के, बहुत टाइम लगता है बोल के हमसे भाग गया, यूनानी बहुत महंगा है बोल के हमसे बहुत लोग भाग गया, यूनानी कड़वा है, टेस्ट नहीं, दिखने में अच्छा नहीं है, वो सब गिरते रहते, ये बोल के बाकी चार सबब था, चार वजह था जो हमको छोड़ के भाग गए थे, उसमें एक अव्वल नंबर था परहेज। अब आप लोग परहेज के बारे में जरा रिसर्च करके देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा परहेज मॉडर्न मेडिसिन में, चलने में प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे, चलो मत, बैठने में प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे, बैठो मत, नमाज में प्रॉब्लम है तो कुर्सी में बैठो, खाने में मस्त जबरदस्त परहेज, ये मत खाओ कोलेस्ट्रॉल है, ये मत खाओ ये है, वो मत खाओ ये मत खाओ शुगर है, ये मत खाओ यूरिक एसिड है, यानी कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया मॉडर्न मेडिसिन के साथ, क्योंकि सब में एलर्जी है, सब में आपको परहेज है, सबसे ज्यादा परहेज हवा में, आप जो सांस ले रहे हैं आजकल जो कोरोना कोविड में, इसमें भी आप लोग हम लोग के लिए परहेज बताया गया। एक छोटा सा वाक्य बताता हूं मैं आपको परहेज की इम्तिया सुन के। एक बार मैं कहीं फंक्शन के लिए जा रहा था, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में था, तो मेरा एक आदत है कि मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ सफर, क्योंकि कोई पहचानने वाला नहीं, टेलीफोन कॉल नहीं, अब हम में रहता है, मैं बन जाता हूँ सफर में, तो मैं किसी से जल्दी दोस्ती नहीं करता, किसी से जल्दी बात भी नहीं करता है, मैं अपनी सोच में, अपने ख्यालों में, अपनी गौर फिक्र में रहता हूँ। तो इस कंपार्टमेंट में कहीं एक पेडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस चल रहा था दिल्ली में, उसके लिए डॉक्टर लोग जा रहे, तो ज्यादातर पेडियाट्रिक और बहुत सारे डॉक्टर्स थे, उसमें एक नॉन डॉक्टर्स फैमिली थे, तो उसमें वो लोग ने आपस में ये हो गया, पहचान हो गया, तो बोले यार तो आप लोग सब डॉक्टर हैं, मेरे ये बच्चे को देखो, ये इसको सुबह सुबह उठते बहुत छींके आते हैं, उसने बहुत जगह पे दिखाया, डॉक्टर ने नेसल स्प्रे दिया,
बहुत सारे एंटीजन चेक कराया, आईजीजी चेक करा, आखिर बता रहा है डॉक्टर ये एलर्जी है। तो डॉक्टर ने तो क्या डॉक्टर क्या करूं मैं उससे, मतलब बगैर दवा से मैं इलाज करवाने के लिए। तो उन लोग ने क्या बताया, उन लोग ने बताया, और एक डॉक्टर ने बताया काम करो तुम्हारे घर पे किधर है, मेरा घर वो इधर फलाने जगह पे, वो भी वीआईपी था, घर पे बाग बगीचा वगैरह है क्या। बोला यार हमारे घर पे बाकायदा इसके लिए आदमी रखा, माली है। तो बोला तुम्हारे पास बच्चे को है ना बाहर खेलने को मत भेजो, बच्चे को फूल सूंघने मत दो, फूल वगैरह है तो सब काट डालो। मतलब लॉन बिठाया, बोला घर के सामने लॉन बिठा, उसको निकालो पूरी, जैसे जितने भी आपके घर के गमले में सब रखा फूल वगैरह, उसकी पॉलन ग्रेन जो डस्ट आती है उसकी वजह से। अब मैं अंदर ही अंदर हंसा, जो अल्लाह ताला ने जो फूल और उसकी खुशबू इंसान के लिए अशरफुल मखलूक के लिए बनाया, उसको सूंघने के लिए बच्चे को मना कर रहे, उसको पास जाने के लिए मना कर रहे, ये कौन सी तिब है, ये कौन सी फिलोसफी है, कौन सी साइंस है, ये कौन सी लॉजिक है। एक बच्चे को बाहर खेलने नहीं भेज रहे, एक बच्चे को फूल सूंघने को नहीं दे रहे, एक बच्चे को फूल पकड़ने नहीं दे रहे, और कहते कि हम इस हाईली साइंटिफिक एडवांस्ड एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो मेरा कहने का मतलब आप देखते होंगे आज दुनिया में सबसे ज्यादा परहेज मॉडर्न मेडिसिन में, यूनानिमस की आधा भी नहीं है, और सबसे इलॉजिकल बात सबको एक ही परहेज बताते हैं, सफरावी को भी एक ही परहेज, दम्भी को भी एक ही परहेज, यानी हवा से भी ताल्लुकात एक जैसे, आग से भी ताल्लुकात एक जैसे, पानी के भी ताल्लुकात एक जैसे, मट्टी का भी ताल्लुकात एक जैसे, सबका ताल्लुकात एक जैसे कैसे रहे। मादी चीज क्या है वो उसके हिसाब से हम लोग ये करते हैं। तो परहेज का माना ये नहीं कि हर चीज को रोकथाम दिया जाए। तो परहेज पुराने जमाने वाइद और हकीम बोलने की और एक वजह भी था, एक अंदर की बात बताता, मैं समझो बहुत बड़ा हकीम हूँ, मेरे पास कोई ऐसे मरीज आए जो मुझे भी ट्रीट मार समझ में आना है, तो मैंने दवा दी है, इतने बड़े एक्सपेक्टेशन से मरीज आए, अगर मरीज को जैसे लाइलाज मर्ज हम समझते हमारा पास रहता, हकीम साहब दवा दिए थे लंबा चौड़ा एक फेरिस दिया, उसके साथ में परहेज भी बता दिए, तो वो परहेज इतना मुश्किल है वो हिसाब से परहेज। जब एक दो महीने के बाद में काफी फर्क नहीं ऐसा कंप्लेन अगर आ गया तो हकीम साहब क्या बोलेंगे, ये आपने परहेज तोड़ा होगा, अपने फलाने फलाने परहेज तोड़ा है इसीलिए आपका दवा आपके ऊपर काम नहीं किया। तो इसके लिए भी परहेज इस्तेमाल करते थे। बहरहाल परहेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, परहेज जानने के लिए, क्योंकि उसूल इलाज में एक मेन चीज है सबब का इजाला, तो सबब जाने तो परहेज के थ्रू उसको हम बंद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जैसे ये जो चीज बात करते, तो इससे पहले हमको चाहिए कि परहेज बताने से पहले मरीज का, यानी कि मरीज का और मर्ज का दोनों का मिजाज जानना जरूरी है, तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम परहेज बता सकते हैं। ये एक कुल और नजरिया है, कुल और जुजू का नजरिया, ये हम लोग का परफेक्ट होना चाहिए, हम लोग हमेशा नजर कुल के तरफ रहते हैं, जिस चीज की जरूरत है उस चीज के ऊपर हमारा नजर जाता है, जिसकी तरफ हमारी नजर नहीं जाता है क्यों, हमको उसकी जरूरत नहीं, हम सिर्फ जरूरत के लिए जीता है, क्योंकि जो चीज हमको फायदेमंद है, जो चीज हमारे लिए जरूरत नहीं, उस चीज हम देखता ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक दीवार के ऊपर एक तस्वीर लटकाया, अगर हमने किसी को पूछा या किसी ने पूछा क्या है वो, तो एक आम आदमी बोलेंगे वो तस्वीर है, लेकिन हकीम का जवाब कैसे रहेंगे, हकीम के जवाब रहेंगे वो एक दीवार है, एक दीवार के ऊपर एक तस्वीर लटकाया हुआ है, एक दीवार के ऊपर एक तस्वीर लटकाया हुआ है, उससे क्या फायदा है तुमको, माने दीवार किस चीज से बनी हुई और इसके ऊपर तस्वीर लटका हुआ है,
सर तफसीर के बारे में, तफसीर वो तस्वीर के बारे में आपको जानकारी है, और एक आदमी दीवार के बारे में भी जानता है, तस्वीर के भी बारे में जानता है, तो उसकी दोनों का मालूमात में बहुत काफी फर्क है, तो सोच में ज्यादा फर्क है। मालूमात तो सब ले लेते हैं, सोच में बहुत फर्क है। तो यहाँ मैं अक्सर जब बच्चे आते हैं ट्रेनिंग में, मैं उनको ये कहते हैं कि बाबा तुम एक ऋतु भी, सपोज एक बीमारी की मिसाल के तौर पे, एक बीमारी की सबब हमको मालूम पड़ा ये ऋतु भी है, तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में फट करके परहेज आते, इसकी बीमारी की वजह ऋतु भी है तो उसकी फायदा होगा यबूसत से, या यबूसत तदाबीर से उसको फायदा होगा। मिसाल के तौर पे कभी कभी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत सारे छींके आ रहे हैं, नजला जुखाम छींके आ रहा है, तो मरीज उसको एलर्जी बोलेंगे, साइनोसाइटिस बोलेंगे, नेसल पॉलिप है और नाक टेढ़ा है, डीएनएस है, सांस फूलता है, आंख को जा रहा है, कान को जा रहा है, नाक को जा रहा है, गले को जा रहा है, मतलब तमाम आईजीजी की जो शिकायतें, या उसको एलर्जिक स्नोफीलिया का हो, या कसरत तम अताश जिसको कहते हैं, एसासिया कहते हैं उसको, एसासिया एलर्जी, बहुत सारे एलर्जी टाइप के हो रहे, तो हमने दवा दे दिया पेशेंट को और उसने हमको तदाबीर भी बता दिया, बाबा तमाम हमको मालूम है ये ठंडक की वजह से, पंगा बंद करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो, यहाँ तक कि कौन सी कमरे में आप सोता है वो हिसाब से, नॉर्थ कमरे में नॉर्थ तरफ आप सर रख के अगर सो रहे तो आपका सोने की जगह ईस्ट की तरफ सो जाओ, पेशेंट आके तो काफी फर्क है। या जब हमने बता के भेज रहे थे, डॉक्टर साहब मुझे इधर थोड़ा शोल्डर में भी थोड़ा सा दुखता है, शोल्डर में भी थोड़ा दुखता है, तो शोल्डर के लिए दवा मत लिखो, शोल्डर में दुखता है तब हकीम साहब का जवाब क्या होना चाहिए, उसके लिए भी इसमें दवा है, तब मरीज का जवाब क्या रहेंगे सवाल, वो तो हमने बताया नहीं, फिर आप कैसे बोलेंगे उसमें दवा है। तो उनको बताओ आपको जो रुतुबी अमराज है नजला, उस नजला ही शोल्डर में भी आपको नजला हुआ, लेकिन आप इसको दर्द बता रहे, हम उसको नजला कहते हैं, तो आपको मैंने नजले की जब ट्रीटमेंट करेंगे ये भी अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे जरा टंडिस एल्बो हो जाए, कार्पल टनल सीखो, ये सब असाबी है, तो जो तदाबीर जो परहेज हमने नजले के लिए बताई तदाबीर इसके लिए भी काफी है, इसके लिए हमको कोई भी ये चीज कैसे समझ में आए, ये नजला किस दीवार पे लटकाया है, यानी मैंने तस्वीर का मिसाल बताया, तुमने तस्वीर के ऊपर ध्यान दिया, हमने दीवार के ऊपर भी ध्यान रखी, दीवार किस किस्म की है, लकड़ी की दीवार है क्या, पुट्टे का दीवार है क्या, चाहे लोहे का दीवार है क्या, या किस चीज का दीवार है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दीवार है क्या, ये चीज को भी जानना जरूरी है। अगर फोटो खराब होने के पीछे दीवार का हाथ है तो दीवार को पहले सही करके फोटो को सही करना चाहिए। तो यहां हम लोग क्या करें, बहुत सारे तरीका है, मॉडर्न में एक चीज आई नहीं परहेज, लेकिन बोलने में आ गए और इलॉजिकल परहेज बताते, लॉजिक परहेज, हम भी अगर पढ़े लिखे हकीम नहीं, अगर नीम हकीम है तो भी हम लोग भी क्या करेंगे, बोला ये खट्टी चीज मत का, ये मत, कभी कभी खट्टी चीज सेक्स में फायदा करता है, जिसको कल ऐसा किसी ने एक सवाल डाले थे एहसास के ताल्लुक से, जकावत हिस, किसी को अगर सफरा के वजह से अटिकेरिया हो रहे, पूरी जकावत हिस ज्यादा अटिकेरिया हो रहे, बेचैनी हो रहे, एक आदमी को सूरत इंजाल की शिकायत हो रही, जरा भी इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल और ये लेवल में अगर तहरीक हो रहे तो उसको इंजाल हो रहे या उसको इतलाम हो रहे, तो कभी कभी उसको भी ठंडा दवा देना पड़ता है, अगर जकावत है इस गर्मी की वजह से, तब तो हम वहां का परहेज चेंज हो गया। हम लोगों ने क्या करते, तमाम शख्स के अमराज में चाय कॉफी और फलाने फलाने चीज देते, कभी कभी कॉफी सेक्स को स्टिमुलेट करता है, सुना लीजिए, कभी कभी कॉफी सेक्स में फायदा करता है, कभी चाय भी फायदा करता है, ये नहीं कि सबको चाहिए, चाहे सफरावी लोग को कॉफी नुकसान देगा, सर सफरावी लोग को चाय नुकसान देगा, ये बोलने के लिए या इतनी लॉजिक परफेक्ट साइंस की बात करें तो हमको जानना इसी जरूरी है कि का हमारी
फंडामेंटल फिलोसफी क्या है? ऑनलाइन में डालता हूँ मैं, तो फंडामेंटल फिलोसफी जाने तुम परहेज बता। तो डाल मैं अक्सर ये कहते हैं कि अगर परहेज का कंसेप्ट और दे मिजाज का कंसेप्ट यार। हमारे परफेक्ट हो गए, मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं भी जाके कोई भी महफिल में हम क्या कर सकते हैं कि हम सैकड़ों, मतलब हम लोग घंटा हम लोग बात करते हैं विदाउट प्रिपरेशन, क्योंकि हम लोग हकीम है। अगर आपको कोई फंक्शन में सेमिनार में बुलाया गया, टॉपिक देते एक हफ्ता पहले प्रिपेयर करते, कट पेस कॉपी बना के बड़े बड़े हम लोग पीपीटी तैयार करते। हकीम साहब को कोई चीज की जरूरत नहीं, कमरे में आके हकीम साहब को बोल रहे ये देखो आपका टॉपिक ये, आपको 6 घंटा बात करना है, 6 नहीं के 60 घंटा बात कर सकते हो। कमरे में एंट्री होने के बाद में पता चला पूरी साइंटिस्ट बैठा है, इनको पर ही समझाना है, तो भी हमारे पास साइंस है। फिर कमरे में दाखिल होने के बाद में मालूम पड़ा है कि कमरे में पूरी की पूरी मिडिल क्लास की लोग हैं, तो भी हमारे पास कंसेप्ट है, समझाने की तरीका है। कमरे में आने के बाद में मालूम पड़ा पूरी देहाती लोग की, जो गांव की औरतें बैठे, तो भी हमारा नजरिया परफेक्ट। बीच में मुझे एक प्रोग्राम हुआ था आज से 3 4 साल पहले, 19 में शायद, शहरशाह बोल के गाँव है बिहार के नॉर्थर्न साइड, या मरहूम अब्दुल गफूर के एमपी थे वो कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ एक फंक्शन रखे सेमिनार, वहाँ एक ये रखा, क्या रखा, मेडिकल कैंप रखा। तो मैं अक्सर मेडिकल कैंप में बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि इस वजह ये कि मेडिकल कैंप दिल से नहीं करते, कोई कुछ भी उठा के दे दे, कोई सर्दी के लिए जुकाम के लिए 2 दिन तुम जा जा, नेक्स्ट आदमी आ जाओ, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ तो कुछ जबरदस्ती का मेडिकल कैंप हो रहा है। उसमें ना तशखीस होता है बाकायदा, उसको कितने दिन का दवा खाना, बस कहीं ना कहीं एक लेबल लगाया रहता है पीछे साइड में या आगे साइड में, तो वो कोई फोटोग्राफी कर दिया, ये सब मामला ज्यादातर मेडिकल कैंप का मकसद वही रहता है, मरीज को माइलेज नहीं, जो मकसद जो कर रहे हैं मेडिकल कैंप कंडक्ट कर, उसकी माइलेज, मरीज को इसके फायदा नहीं। तो मुझे लेके गया वहां, तो मैंने बोला यार इतना अंदर का शहर, गुर्बत और इतना गरीब और एकदम बॉर्डर लाइन पे, अब वो लोग ने सेमिनार भी रखा, तो मैं बोला यार कुछ तो कुछ बात करना चाहिए। अब मैं मिजाज या साइंस या मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ये सब भाग जाएगा, तो मैंने उनकी नजरिए से समझा, गर्मी समझता है, सर्दी समझता है, तरी समझता है, खुश्की समझता है। मैं बोला आप लोग की जो जगह जिस मकाम में रहते, उस मकाम में 4 मौसम में आप लोग क्या खाना चाहिए, रोटी का कैफियत क्या है, अचार का कैफियत क्या है, सालन का कैफियत क्या है, पुराने जमाने में सब जानता था, आज के बच्चे नहीं जानते। समझाया उनको, ये भी समझाया तुम लोग हमारे, हम लोग शहरी लोग हैं, हम लोग यूरोपियन कॉमोड में बैठ बैठ के हमारा घुटना खराब हो गया, तुम शहरी बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी घुटना भी खराब हो जाएगी। हम लोग शहरी लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देहाती बनने के लिए, नहीं बनता नहीं लेकिन खाली दिखावा है, हम लोग भी देहाती बनना चाह रहा, देहाती खाना, जौहर की रोटी, रोटी वो रोटी सब खाना चाह रहे, हम ये सोच रहे कि हम भी देहाती बनू शहर में रहके, अरबान लाइफ में है लेकिन हम लोग रूरल लाइफ जीना चाह रहे, नहीं होता खाली दिखावा, वो भी नहीं भाई मैं ऑर्गेनिक दूध पीता हूँ, ऑर्गेनिक वो खाता हूँ, मैं पेप्सी नहीं पीता, ये नहीं पीता, खाली सब एक सोसाइटी में एक चीज मिलने के लिए, वो दिल से नहीं करते। तो मैं इनको बताया तुम शहरी मत बनो, हमको कॉपी मत करो, ज्यादा टीवी के सामने मत बैठो, हम लोग टीवी देख देख के कंडाल हो चुके, हमारी जितने थकवा तो अभी जाहिल हो चुके, दुनिया से फैमिली से मतलब नहीं, अभी तो मोबाइल भी आ गया तो भी खराब हो गया। तुम देहाती रहो, ये बहुत अच्छी भी लाइफ है, शहर के तरफ देखो मत, हम लोग गांव के तरफ देख रहे, तुम शहर के तरफ, हम लोग इतना कमा कमा के हम लोग के ये जिंदगी की, अगर किसी ने कोई ख्वाहिश मांगे हमसे करोड़पति से, बोले कि मेरा वो गांव का लाइफ जिंदगी मुझे अच्छा लगता है। एक पायलट से एक सवाल पूछे थे किसी ने, पायलट
डिस्कस कर रहा था को पायलट से, जब फ्लाइट चला रहा था तो नीचे देखे तो पायलट बता रहा है कि जब मैं बचपन में खेलता था खेती में, जो नीचे जो मेरा हम लोग का गांव का खेती उस मट्टी में खेलता था, वो दौर कितना अच्छा था। जब मैं खेलता था हम लोग बचपन में, तो हम लोग ऊपर देखता था कि ये क्या नाम उसका प्लेन जा रहा है, काश मैं पायलट बना होता। तो वो दौर से मुझे पायलट बनने का शौक बन गया। वो खेल कूद में मैं पढ़ लिख के आगे जाके मैंने पायलट बन गया। बहुत सारे चीज, बहुत मतलब पैसा वैसा कमाया। अब अगर मुझे किसी ने पूछा भी मुझे क्या बनना है, तो मैं बोलूंगा मुझे वो जिंदगी वापस दे दो जो मैं मट्टी में खेलता था, वो लाइफ इतना मस्त था मेरा। तो मैंने भी इनको यही बोला कि यार आदमी की ये एक जोश रहते कि पढ़ते पढ़ते वापस अपनी मुद्दे की तरफ पहुंचने के लिए। तो अगर सपोज एक मॉडर्न मेडिसिन वाले को लेके गया कोई फंक्शन में, टॉक सम परेस, तो वो हैरान हो जाए कहाँ से शुरू करो। तो उनके पास एक ही चीज रहेंगे, फूड और हवा। तो बोला अच्छा हवा लो, सांस लो, अच्छे सांस लो, प्योर एयर लो, खत्म हो गया। कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड कोई चीज जलाओ मत, ये करो ये, मतलब गाड़ी की पोल्यूशन, इसकी पोल्यूशन, बल्कि वो टॉपिक जल्दी खत्म हो जाता। जब फूड की तरफ आता है तो थोड़ी देर सोचेंगे वो, तो क्या बोलेंगे तुम लोग, फ्लेवर, आर्टिफिशियल फूड, टिन फूड, कोलेस्ट्रॉल, जंक फूड, मायनेज, कैचअप, ये वो बड़ा बड़ा, वो सब मत खाओ, ये सब कैसे कार्सिनोजेनिक है, वो भी खत्म हो गया। फिर क्या खाओ, फिर बोलेंगे प्रोटीन खाओ, उसमें गुड प्रोटीन खाओ, फैट मत खाओ, फिर विटामिन खाओ, ये खाओ, खत्म। और क्या खाओ, ओमेगा 3 लो, एंटीऑक्सीडेंट लो। क्या एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट बोल के दुनिया को एड़ा बना के रखी, क्या इसकी कंसेप्ट, वो बराबर किसको समझा नहीं पा रहे। ओमेगा खाओ, ये खाओ, ये कंसेप्ट खत्म हो जाते। जब भारी आते हैं हकीम साहब का, हकीम साहब से अगर किसी ने पूछे कि बाबा परहेज, तो हकीम साहब परहेज के बारे में अगर सही ढंग जानता है तो मैं समझता हूँ दवा की जरूरत नहीं पड़ता। बराबर कोई भी बीमारी की अगर परहेज बता दिया जाए तो बहुत सारे चीज में मुकम्मल आराम हो जाता है। परहेज ये है कि किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को रुका के या किसी को ढांकने के लिए इस्तेमाल मत किया करो, लॉजिक होना चाहिए। तफसील से हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे अभी हम लोग अक्सर देखते हैं कि परहेज में, यूनानी में ज्यादातर परहेज बताते बर्स के अंदर, तमाम सफेद चीज को रोक दिया जाए। अगर ये किसी को बोल दे तो हंसेगा वो, तमाम सफेद चीज को रोक दिया जाए। क्यों, बलगम सफेद है, ये बलगमी अमराज है, ये हमारी सोच है, ये बलगमी अमराज है। सफेद चावल, चावल ना को, दूध, दूध भी ना को, फिर व्हाइट दही, आइसक्रीम, सब दूध दूध। मैं समझता दूध, ये भी बोलेंगे वो व्हाइट कपड़ा भी मत पहन, सब बलगम हो जाएगी। ये नहीं है परहेज। परहेज कभी कभी क्या होते हैं कि आपके मिजाज के इतिबार से, अगर आपकी मिजाज, आपकी दीवार या आपकी जो बनावट कुली हिसाब से सफरा है, तो मुझे क्या चीज अच्छा लगता है क्या चीज नहीं अच्छा लगता, ये होना चाहिए। ये मरीज को नहीं मालूम मेरा मिजाज के बारे, मिजाज को उससे वाकिफ ही नहीं। मैं बलगमी हूं, मुझे क्या क्या डिजीज हो सकता है, विच एम मोर वेरी मोर प्रॉन। अगर तुम तो परहेज बता दिया तो एक मरीज को यहां तक बोल सकते बाबा, परहेज तो हम लोग बीमारी होने की वजह पहले बताते बाद में बताते। अगर सही हकीम है, सही हकीम उनको ये भी बता सकते आपको फलाने फलाने बीमारी होने से बचने के लिए मेरे पास तदाबीर है। तब वही बात आ गई मैंने जो बताया, चाइना के डॉक्टर ने, चाइना के जो सिस्टम थे, बीमार पड़ गया तो डॉक्टर फाइन भरो, जब तक मैं सेहतमंद हूं तब तक मरीज फीस देते रहे, जिस दिन मैं बीमार पड़ा उस दिन से डॉक्टर को फाइन भरना पड़ना चाहिए। अब मेरे बारे में मैं, हकीम साहब को मालूम है मैं सफरावी हूं, अपन सफरा से स्टार्ट करते, मैं सफरावी मिजाज का इंसान, यानी आग हो।
अब आप लोग को या हम लोग को जानना चाहिए, मैं आग से खेलने जा रहा हूं, क्या क्या एहतियात करना चाहिए, या एहतियात नहीं किया वो आग मुझे क्या क्या तकलीफ देगा, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना भाई। एक आध कैन में पानी तो रखना चाहिए, इन केस जल भी गया तो पानी डालो, या कोई गीला कपड़ा डाल दो, या ऐसी जगह पे हवा से आग से न खेलो जहां हवा चल रहा हो, ताकि मैं कंट्रोल करूं। तो मुझे मालूम पड़ा नब्स के जरिए फलाने आदमी का मिजाज सफरावी है, और उसके अंदर सफरावी डिजीज हो या बलगमी डिजीज जो भी हो, कोई बीमारी नहीं है। सपोज मैं अपन बीमारी की बात बाद में करें, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग यूनानी वाले बोले तो थोड़ा सा दर्जा उवल में, हम बीमार होने से पहले बीमारी के पहले की बात करते हैं, बीमार न होने से कैसे बचाएंगे। सफरावी लोग के मिजाज में मॉडर्न के इतिबार से हिस्टामिन या हिद्दत या गर्मी और खुश्की की गलबा होते हैं। ये तीन चीज अगर किधर भी है, यानी कि कुली जिस्म में ये हरारत की अगर गलबा है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी के अंदर ये देखना है कि उसकी सेम मिजाज की कौन सी अज़ाएं। मिसाल के तौर पे सबसे अव्वल नंबर गर्म मिजाज सफरावी में क्या है, जिगर, बाद में मैदा और कल्ब, दोनों का तीनों का कॉमन मिजाज हार है। जिगर सफरावी है, मैदा गर्म तर है और कल्ब भी गर्म तर है। अगर सपोज मेरी बॉडी में गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई, गर्मी से मतलब बाहर की गर्मी हो, कैफियत तो बिल फील हो, बिल कैफियत तो जो भी गर्मी बढ़ गया, तो मेरे जिगर में जिगर माउफ होगा, मेरी मैदा माउफ होगा, मेरी कल्ब के ऊपर वो असर करेगा। अब मैं एक सफरावी आदमी को बोल सकते हैं, अभी अभी राइट ना, आपका अगर कोई बीमारी नहीं है, आप ध्यान रखो, आप ऐसी जिंदगी आगे रात भर सो रहे, रात भर जाग रहे, यानी कि गर्मी बढ़ रहा है, बहुत सारे मसालेदार चीज खा रहे, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे, राइट ना आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आपको जिगर के अमराज होने के चांसेस ज्यादा है, आपको जॉन्डिस होने के चांसेस ज्यादा है, हेपेटाइटिस होने के चांसेस ज्यादा है, आपकी बॉडी में हिद्दत बढ़ने की चांसेस ज्यादा है, आपको अर्टिकेरिया होने का चांसेस ज्यादा है, आपको फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस ज्यादा है, आपको माइग्रेन का शिकायत होंगे बाद में, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होंगी, आपको मैदे के अंदर अल्सर एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा है, आपको नींद डिस्टर्ब होने का चांसेस ज्यादा है, मतलब इन्फिनिटी तौर पे आप पेशेंट के बारे में बता सकते। इस सफरा बढ़ने से आपकी बॉडी में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल तीन चारों लेयर में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप इसको मेंटेन नहीं किया, ये एक परहेज उसको बता रहे। आप घर पे बहुत लोग रहेंगे वो गोश्त अंडा मछली सब ज्यादा खा रहे, आप उसके जगह पे फ्रूट ज्यादा खाया करो, वेजिटेबल ज्यादा इस्तेमाल किया करो, बारिश रतब तदाबीर आप इस्तेमाल किया करो, ताकि आप बीमार ना हो, बीमारी की इलाज बाद में, बहुत खुश हो जाएंगे वो डॉक्टर, आज तक किसी ने ये नहीं बताया मैं कौन सी बीमारी, अगर हो सकता है तो पढ़ो। अगर आपको बलगमी अमराज हो भी गया सपोज, तो आप जल्दी अच्छा हो जाएंगे, ये भी उनको बता दे, सफरा की जगह सफरावी आदमी को कोई बलगमी डिजीज हो भी गया तो बोलेंगे वो जल्दी आप अच्छे भी हो जाएंगे उससे, जबकि आपको आपकी मिजाज की बीमारी पड़ते तो आपकी कैफियत बढ़ के, हम मिसल कैफियत से कोई भी चीज तहरीक में आते हैं, और ऑपोजिट मिजाज से हमेशा तस्कीन पाता है बॉडी, ये कुदरत का एक कानून है वो। ओके, गर्मी गर्मी को बढ़ाता है, सर्दी सर्दी को बढ़ाता है, ये नजरिया दिमाग में। अब सफरा के इतिबार से क्या परहेज बताना है, क्या खाना है, विच टाइप ऑफ लंच, यानी कि दिस पीपल, यानी दोस हु आर बिलियरी इन नेचर, तुम्हारे अंदर होना चाहिए, दिस पीपल आर वेरी वेरी, यानी कि मोर प्रोन टू, या दे आर मोर ससेप्टेबल टू सर्टन डिजीज एंड सर्टन ऑर्गन्स मे बी इन्वॉल्व, ऐसे लोग के अंदर कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते, इसका मालूमात होना चाहिए।
इसकी मालूमात होने से क्या फायदा, जैसे आपको मालूम है इसकी बीमारी, अगर इसकी मिजाज गर्म है तो इसकी जिगर, मैदा और उसकी कल्ब मुतासर होंगे। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी ठंडी ठंडा मिजाज रखने वाली कोई भी एक दवा हो, गिजा हो, ये तीनों के लिए फायदेमंद है। मिसाल के तौर पे जवारी शाही या आमला, मुफरत तौर पे आमला मेदे के लिए अच्छा है, जिगर के लिए अच्छा है और कल्ब के लिए भी अच्छा। अगर ये भी ये चीज अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर को बता, ये कौन सी साइंस है, बोले एक ही दवा तीन जगह पे काम करते, तो उनको समझाओ हमारी कंसेप्ट के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से तीन चीज है वो। फिजिक्स के हिसाब से ये तीनों की एनर्जी लेवल एक है, तीनों में हार कैफियत, काइनेटिक एनर्जी या समझो उसके जो तहरीक है इसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा है दूसरे आजा के मुकाबले। अब जो भी ऐसी तहरीक देने वाली, वाइब्रेशन देने वाली कोई भी तदाबीर हो, उस चीज से ये चीज बढ़ता, ये है हमारी नजरिया। ये नहीं कि तुम्हारे यूनानी वाले क्या यार इलॉजिकल बातें करते हैं, एक ही दवा लिएगा उसमें लिखा मुकव्य मैदा, मुकव्य जिगर एंड मुकव्य कल्ब, ये कौन सी फिलोसफी है, ये कौन सी, ये साइंस समझने के लिए पहले उनको पढ़ो, पहले फिजिक्स पढ़ो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो, सब एटॉमिक लेवल में पढ़ो, उसको बोलो व्हाट इज फर्मियोन, व्हाट इज न्यूट्रिनोस, व्हाट इज सब एटॉमिक लेवल में, व्हाट इज स्ट्रिंग थियरी, व्हाट इज, ये सब चीज पढ़ो, तब तो आपको समझ में आएंगी हमारी एक गोली से तीन तीन चार चार निशानी से हम लोग बंदूक मारता, ये नहीं कि तुम्हारे ऐसे बंद करके गड़गड़ 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 मारता नहीं, हम लोग एक गोली इस्तेमाल करते लेकिन वो चार जगह पे जाके अटकती हो। तो सफरावी मिजाज को जानने के लिए मैं इंशाल्लाह सपन अभी नब्जियात के बारे में, नब्ज कैसे पकड़ना है सब बहुत बार पढ़ा, लेकिन नए नए जो ग्रुप में मेंबर ऐड होते रहते तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे बाद में, नब्ज नब्ज नब्बास कैसे बनना है वो सिखाएंगे, परफेक्ट नब्बास 100% नब्बास बनेंगे इंशाल्लाह सब लोग, उसके लिए हम लोग है हमारे क्लास में आगे जाएंगे। तो इसलिए एक्चुअली क्योंकि हमारी एक लेक्चर की जो कंटिन्यूएशन है वो अगले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में रहते थे, इसलिए कुछ लोग अपनी सहूलत के हिसाब से कभी कभी लेक्चर अटेंड कर लेते, कभी चले जाते, मैं समझता कभी हम लोग एक आधा घंटा भी हमारे लेक्चर मिस हो गए तो फिर मजीद आपको मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती, क्योंकि ये चेस के जैसे खेलना पड़ता है, डॉक्टर साहब ने पिछले चाल क्या चाल चले थे, अभी मैं चाल चल रहा है पिछले चाल के हिसाब से, तो एक एक लेक्चर कनेक्टेड है वो, ये नहीं कि कभी भी आज चलो टाइम मिला संडे डॉक्टर साहब का लेक्चर जरा सुन लिया जाए, तो वो नहीं है, क्योंकि आपको ये हिकमत सीखने से, मैं हमेशा 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 कहते हैं कि बाबा तुम यूनानी की हिकमत सीख लिया ना तो दुनिया की तमाम हिकमत तुम्हारे हाथ में आ गया, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है आज, आज के दौर में ही 10-15 साल पहले इंसान सो गए थे अभी उड़ गया, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है दुनिया को आज, बहुत शिद्दत से बेचैनी से इंतजार कर रहे हम सोए हुए। तो यहाँ परहेज जो है सफरा की जो परहेज सब डिजीज के इतिबार से नहीं मिजाज के इतिबार से परहेज बना, अगर डिजीज के इतिबार से परहेज बोलेंगे तो इतना परहेज आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने पढ़े कभी कभी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वाइद लोग यूनानी लोग भी कभी कभी परहेज बताते, डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब ने बोला मुझे क्या नाम उसका बर्स का शिकायत था, दूध मछली अंडा गोश्त वगैरह सब बंद करने को, बोला ये क्या परहेज हो, दो आदमी आपस में लड़ रहे, दो आपस आपस में लड़ रहे तो लड़ाई कम करने का एक तरीका क्या है, एक तो किस वजह से लड़ रहे है उसको हल करो सबक को, दूसरी चीज वक्ती तौर पे सिम्टोमेटिक रिलीफ, तो क्या सिम्टोमेटिक रिलीफ, दोनों को अलायदा करो, इसको दोनों को अलायदा करने की जरूरत नहीं, एक को अलायदा करो, दो लोग आपस में मार रहे हैं एक को पकड़ के दूसरे कमरे में लेके जो लड़ाई खत्म हो जाती, दोनों को लेके अलग अलग कमरे में लेके जाने की जरूरत है, अगर दूध और मछली के बीच में एक लड़ाई है तो दूध को लेके जाओ अलग कमरे में, मछली को रहने देना, अब दूध और लगे दूध और मछली की लड़ाई में हमको दोनों का नुकसान हो रहा है, दूध की वजह से अगर इश्यूज हो रहे दूध को सर का हटा डालो, मछली तो प्रोटीन है विटामिन है
मेलानोसाइट पिगमेंटेशन, मेलानिन पिगमेंट प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन की जरूरत है, वो अनाज से या कार्बोहाइड्रेट से मेलानिन नहीं बनते, तो प्रोटीन चाहिए, गोश्त चाहिए, अंडा चाहिए, मछली चाहिए, दूध को दूर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या अगर इन केस दूध पी लिया तो 1-2 हफ्ता मछली मत खाओ, क्योंकि दोनों का जो लड़ाई है, इनकॉम्पिटेंस, सफराज और बलगम जो भी बोलो उसकी जो लड़ाई है, उससे अपनों को नुकसान देना, इसलिए आपसे उनको अपसाइड कर दिए। अब दूसरी चीज है, तमाम खट्टी चीज से दूर रखने की वजह क्या है? बर्स के अंदर मजीद खट्टी चीज से जिगर की हरारत कम होके बरूदत की तरफ चले जाएंगी। हमने तो पढ़ के रखा ये बलगमी अमराज है, बलगमी अमराज से मुराद क्या है बर्स का? बलगमी अमराज से मुराद जिगर के अंदर, जिगर अल्लाह ने बनाया गर्मी, गर्म मिजाज, अपनी तबई मिजाज बा इतिबार है उजवी, हमने पढ़े वो गर्म है, वो अगर बलगमियत के तरफ गया, ठंडक के तरफ गया, अपना फील अंजाम दमानी अजमे कब्दी, अजमे कोते मुसव्विरा मुनव्वरा ये नामिया सब खराब हो जाएगी। इसीलिए जिरगर को अपने गर्म में रहने, ऊपर भी मत जाने दे नीचे भी, इसीलिए खट्टी चीज से दूर रखो बोला, वो तमाम खट्टी चीज जिगर के लिए मुजीर हो सकती है, इसीलिए वो खासतौर से ये क्या नाम उसका बलगमी ये बर्स के अंदर। जबकि अगर किसी को अर्टिकेरिया हो रहा है, सफरा की हिद्दत की वजह से पूरी कैपिलरी डायलिटेशन हो गया गर्मी की वजह से, तब उसको खट्टी चीज दो, दूध पिलाओ, ठंडी चीज दो, रुतुबत और बरूदत बढ़ा। तो बेसिकली परहेज जब बताते तो ऐसी परहेज बताओ पेशेंट अफोर्डेबल हो, पेशेंट उसको फॉलो करे। तो सफरा की जो हमारे परहेज के लिए सबसे बेहतरीन चीज है, चार मिजाज में कन्वर्ट कर, सफरा, दम, बलगम एंड सौदा। आग को कैसे संभालना है? आग को मैं संभालता हूं बोलते कुछ लोग, क्योंकि उसको मान, जिसको आग को संभालना नहीं है तो आग जला के आएंगे, हाथ हाथ जलाएंगे, वो जो आग से खेलता है, भट्टी में खेलता है, बेकरी में खेलता है, या बड़े बड़े कंपनी में खेलता है, कभी जलता नहीं, वो एतिदा ग्लोव पहनता है, कुछ भी लोहार के यहाँ काम कर रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं, जो बेहतियाती। तो याद रखने का, सफरावी डिजीज की जो परहेज है सेम आग की तदाबीर ही हो, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेंगे सफरावी सिम्टम्स क्या है, तभी हम डायग्नोस। तो सिम्टम्स को अलाइदा करो और परहेज को, परहेज से यहां मुराद क्या है? अगर मुझे सफरावी डिजीज हो गया, उस परहेज से मुझे सफरा कम हो जाए, प्लस उस परहेज से मेरी सफरा न बढ़े, दो चीजें हम लोग क्या करते हैं, सफरा न बढ़ने के लिए परहेज बताते, वो बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ में सफरा को कम करने की तदाबीर भी बताओ, वो भी परहेज ही। तो सफरा के अमराज में, सफरा के अमराज में क्या क्या सफरा के अमराज है गिनते जाओ, स्किन से ही गिनते जाओ, आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है, अटिकेरिया, एकाइमोसिस है, परप्यूरा है, इसिनोफिलिक जो IgG IgM वो सब सफरा में आता है, जो भी स्टमिंग की इश्यूज से आता है, उल्टी आ रहा है, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, माइग्रेन, हेडेक, जो हर हेडेक माइग्रेन होते हैं, सफरावी माइग्रेन, सफरावी हेडेक को या सुदाए हार कोई माइग्रेन कहते हैं, सबको अगर बराबर परहेज बता दिया तो जिंदगी में कभी इसको दवा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा जो स्टार्टिंग में बताया, रियल हकीम रियल डॉक्टर कभी दवा नहीं बताते, दवा लिखता ही नहीं, भगाता है उसको, अरे यार वो मत खा, ये मत खा, जा अगर इससे अच्छा नहीं होगा तो मैं दवा दूंगा। मेरे साथ बहुत सारे पेशेंट है माइग्रेन के पेशेंट, 15 साल 20 साल से दर्द की गोली कर, मैंने इनको बता दिया तदाबीर, ये सफरावी डिजीज है, रात में लेट सोना नहीं, पेट खाली नहीं रखने का, ब्रेकफास्ट जल्दी करने का, मसालेदार चीज से दूर रहो, पेट को ज्यादा खाली मत रखा करो, खाना खाया करो टाइम पे, 3-4 परहेज काफी,
बाद में अगर सफर कर रहे, क्योंकि उल्टी होगा, नोशिया होगा, सर दर्द हो जाएगा। अब ओमिन खाने से अच्छा मरीज को बोलो 1 घंटा पहले, माने सफरा, उसकीने सफरा या मुअद्दले सफरा, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर, ये दवा दो। दवा बोल रहा हूं मैं, गिजा है लेकिन वो दवा का काम करता है। मिसाल के तौर पर नींबू का पानी या सुलेमानी ब्लैक टी बना, उसमें नींबू निचोड़ के पियो। फिर मरीज को बोलो 1 आधा घंटे के अंदर दुनिया में कहीं भी घूम के आ जाओ, तुमको सर दर्द नहीं होगा, क्योंकि सफरा सफरा का उछलना हमने बंद कर दिया। अगर घाट चढ़ने वाला है, गाड़ी में बैठते हैं, वोमिटिंग आएंगे, 1 घंटा पहले या फिर काइनिल सिरप पिलाओ या मशरूब आमला पिलाओ या जवारिश हरमस दो। बोलेंगे 1 घंटा के ये खाने के बाद में जाओ। कितने मरीज है, सैकड़ों मरीज है डॉक्टर साहब, नींबू जिंदाबाद। मैंने 20-25 साल से परेशान था माइग्रेन माइग्रेन बोल के, आपने तदाबीर बता दिए, परहेज बता दिए, आपने कोई दवा नहीं दी, आपने दर्द की गोली दिए तो शायद एक गोली शायद दिए थे, वो आपने ये भी बताया था अगर जरूरत है तो खाना, ये कंपाउंडर का काम है, आप आपका काम छोड़ दिए। 1 घंटा लेक्चर लो पेशेंट, 5,000 लो, क्योंकि उसकी माइग्रेन तुमने सही कर दिया जिंदगी भर, 50 रुपया फीस मत रखो, 5,000 फीस लो। मरीज आके बोले 5,000 वसूल हो गया, उससे क्या वसूल हो गया, मैं मेरी बीमारी ठीक कर दिया। सिर्फ मेरी नहीं, मैंने जिसको जिसको माइग्रेन हो तो उसको भी मैंने भी ट्रीटमेंट स्टार्ट बता दिया, परहेज बता दिया, ट्रीटमेंट बता दिया, लाइफस्टाइल बता दिया। मेरे डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने ये बताया कि आप ये फॉलो करें बोल के, मैंने उनको इलाज किया, वो भी अच्छा हो गया। उसने 4 जन को बताया, वो भी अच्छा हो गया। इसकी फीस तुम इनसे ले लो 5,000 या 10,000। बोलोगे 1 घंटा लूंगा मैं लेक्चर, एक मरीज जाते जाते 1 घंटा लेंगे, लेकिन 1,000 2,000 काउंटर में भर दो। तुम क्या चीज है बताओ, तुम सफरा है, तुम क्या क्या गैर तबीयी हरकत करेंगे, उसको क्या क्या नुकसान है वो भी सिखाओ। तो सफरा भी डिजीज में कोई भी सिम्टम्स रहे, वेदर इट इज IBS, वेदर इट इज APD, वेदर इट इज ताश कसरते छींक आ रहा, वेदर इट इज इरिटेबिलिटी, वेदर इट इज गुस्सा, वेदर इट इज चिड़चिड़ापन, वेदर इट इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वेदर इट इज एंग्जाइटी, वेदर इट इज प्यास की शिद्दत, मुंह का सूख जाना, पेट सख्त हो जाना, पेट फूल जाना, सब पालपिटेशन, टकीकार्डिया, साइनस टकीकार्डिया, घबराहट, ये तो मैंने 1% भी नहीं बताया, अगर बोलते जाओ तो रात तक बोलते जाए। ये सब चीज की पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे हाथ है सफरा। तो उसकी सफरा की तदाबीर बताओ, का कैसा सफरा की परहेज, बस वही सफरा बढ़ने वाली सफरा। कैसे सफरा बढ़ता है, नींद अगर कम हो गई सफरा बढ़ता है। नींद की फिलोसफी क्या है, अस्बाबे सित्ते जरूरी के हिसाब से, जितना आदमी सोता है उतना बॉडी बरुदत के तरफ जाता है, जितना आदमी जागता है जैसा आदमी के अंदर हरारत बढ़ती है। रात में सफरा कम होता है, दिन में सफरा बढ़ता है, यानी कि सूरज से कनेक्टेड है सफरा, चांद से कनेक्टेड है बलगम, तमाम खट्टी चीज सफरा को कम करता है, इसका मतलब तमाम खट्टी चीज बलगम को बढ़ाता है। एक चीज एक तरफा अगर तुमको मिल गया, दूसरी तरफ तो कोई भी आम आदमी भी सोचेगा ना, वो भी बताओ। बोलिए डॉक्टर साहब, अगर आप सफरा के बारे में अच्छे से पढ़े, सफरा की तदाबीर पढ़े, सफरा की साइन एंड सिम्टम पढ़े, फिर आपको बलगम के बारे में पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए शेखुल अकबर कौन था, सूफियों का सूफी, इब्नु अरबी, तमाम शेखों का, सूफियों का सूफी, शेखुल अकबर यही कहते हैं। चार चार यानी कि चार का नजरिया कंसेप्ट रखो,
वो चार क्या तहरीक होते हैं, क्या चार चीज नजदीक होते हैं, सब चीज उसी से समझ में आता है। आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया सफरा के ताल्लुक से, जाहिर सी बात है आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसके ताल्लुक से? बलगम के ताल्लुक से। क्यों? दोनों एक ही लाइन की चीज है, ऑपोजिट लाइन पे। कल किसी ने सवाल पूछे तो मैं जवाब उसी में वही दिया था। सर्दी और गर्मी एक लाइन की चीज है, वो दो लाइन नहीं है। इसे हम एक ही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं दोनों को नापने के लिए। अगर ये दो चीज रहा तो दो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। ये चीज के इस हिस्सा ठंडा है, इस हिस्सा गर्म है। जितना वो इस तरफ आएंगे ठंडक की तरफ आएंगे, ये जितना इस तरफ आएंगे वो गर्मी की। इसका मतलब मकाम का फर्क है, दर्जे का, जगह का नहीं, डायमेंशन का नहीं। तो अगर आपने इस लाइन के बारे में पढ़ाई की तो ये दोनों चीज की समझ में है। अगर वो दूसरी लाइन है, खुश्की और तरी की लाइन, तो आपने दोनों इल्म आ गया, तो कुरान के हिसाब से, अल्लाह ताला के हिसाब से जौजेन में आ गए। चार छोड़ के जौजेन में आ जाएंगे। हमने दुनिया की हर चीज को चार में नहीं बनाया, जौजेन में बनाया, तो आखिर हम आएंगे दो में। तो जितने भी जो अलामत मैंने बताया उसको सफरा को बढ़ने वाली तमाम, जैसे सिम्टम्स है उसकी बढ़ने वाली चीजें याद रखो। कोई भी तहरीक सफरा को बढ़ाता है, जैसे हमने पढ़ा है सफरा को कुत्ते से मुशाबियत बताया गया। हम लोग कुत्ते को क्यों पालते हैं? कोई बाग में या बगीचे में, घर पे कोई गैर तबई या कोई एंटीजन, एंटीजन मतलब बाहर की कोई चीज अंदर आया, गैर घर वाले नहीं, इसको तो हम एंटीजन कहते हैं ना। वैक्सीनेशन क्यों लगा तेरे? एंटीजन एंट्री मारे जो घर, ये नहीं थे, एक फॉरेन बॉडी। भुकता है कौन? कुत्ता। कभी काटता वटता नहीं, खाली भोक के भगाता है। काटता बहुत कम, भुकने वाला कुत्ता कभी काटता ही नहीं, भगा देते। सफरा भी ऐसे करता, खाली भुकता बहुत, काटता बहुत कम, तकलीफ बहुत देता है, लेकिन आगे जाके तकलीफ देगा, लेकिन ये काम करते सफरा। तहरीक तो इसलिए सही, तहरीक होना नहीं चाहिए। तो तहरीक क्या क्या है? मैं कभी किसी से पूछते कि आपको कुछ टेंशन वगैरह की? ये डॉक्टर साहब मैं टेंशन नहीं, मैं एकदम मस्त हूँ, मुसलमान हूँ, ईमान रखता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। अपने आपको मतलब क्वालिफिकेशन बता, ये तो बोलने की एक चीज नहीं है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं मोमिन हूँ, वो तो अल्लाह और तुम्हारी कनेक्शन, किसी को बोलने की चीज नहीं है। वो तुम्हारे अंदर की एक एसेंस है, वो क्वालिटी हो, ये किसी को बताना नहीं। क्योंकि कभी कभी ये नहीं कि इलायची आके, ये नहीं बोलते मैं बहुत खुशबूदार हूँ इलायची, वो सूंघ के समझ में आते हो इलायची है क्या नहीं, वो बोलने की जरूरत नहीं मैं इलायची। तो यहाँ आपको इस चीज को समझने के लिए, सफरा को समझने के लिए, सफरा की सिम्टम की तहरीक से समझ सकते हैं। जैसे एक कंटिन्यूस एक आवाज आ रहा है मेरे ऑफिस के सामने, या कभी आवाज से अपने को तकलीफ होते है और सरदर्द शुरू रहते, दैट इज दर्द सर हार है, उसको तस्कीन की जरूरत है। कभी कभी बदबू से आदमी को सर दुखता है, कभी कभी नहीं कि कुछ लोग आते हैं, कुछ मरीज है, ये लोग आते बड़े बड़े अत्तर लगा के, मौलाना लोग आते खास तौर से कि मौलाना अत्तर लगाना सुन्नत बोल के, मौलाना की ये नहीं मालूम ये अत्तर आपको मरीज को तो अजाब दे रहे, तकलीफ दे रहे, अजियत पहुंचा रहे। बहुत देर तक बैठे पूछ रहे यार ये मरीज कब जाएंगे, क्योंकि ऐसी परफ्यूम मार के सर दुखता है। बदबू से या अनप्लेसेंट स्मेल से, सबकी पसंद अलग अलग है। अगर जो जो अगर एक बलगमी है उसको स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद है, सफरा को लाइट स्मेल पसंद है। जैसे अभी नींबू का एक स्मेल है, एक तस्कीन देता है, अलग अलग स्मेल है। कभी कोई मंजर ऐसा देख के सरदर्द शुरू हो रहा है, कभी कोई न्यूज सुने सरदर्द शुरू हो रहा है, कोई भी तहरीक से आपको सरदर्द हो रहा है, तो सफरा भी है। नाम मत रखो माइग्रेन, उसको परहेज बताओ, तस्कीन की परहेज बताओ उसको। ये जरूरी नहीं कि आप नाम रखें तो मरीज आके, कभी आपने पेट में खाना खाया, पेट मतलब पेट में भी तहरीक देती है। खाना ज्यादा खा लिया वो भी तहरीक है, कम खा लिया तो भी तहरीक है, क्योंकि भूख से भी तहरीक में आ रहे हैं। एकदम कम खा लिए, पेट खाली रखा है, वो भी तहरीक है। तो तहरीक के जो भी मसले आएंगे, सफरावी मसला समझ के रखना, वो सब चीज वो की डब्बे में डालना, तहरीक के मसले।
कोई आदमी लाल चीज देख रहा सुबह सब रोशनी में के कर्टन या क्लिनिक में बड़ा रोशनी लगा के रखे एकदम लाइट लाइट, और जब क्लिनिक खत्म हो के घर पहुंचते तो सर दुखना शुरू हो जाते, फिर घर पे आके सर दर्द बोल के गोली खा। यार क्या तहरीक है, किस वजह से आज मुझे तक मेरी बैठक मेरी जगह मेरी पोजीशन ये सब आपको तहरीक दे रहे। तो इसको दूर रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि सफरात को तस्कीन करने के लिए पूरी अलामत आपको बयहाट रखना चाहिए, बयहाट नहीं समझ के रखना चाहिए। इतनी मिलेंगे आपको, इतना डे बाय डे आपको एक एक चीज तहरीक में मिलेगी। कोई एक आदमी को आपको पसंद नहीं, कोई स्टाफ आपको पसंद नहीं, या समझो कोई आदमी को देख के आपको थोड़ा सा डेली उसको देख रहे तो या स्टाफ में ऑफिस में आपको सरदर्द शुरू है, तो सफरा ही है, वो भी सफरा भी है ठीक है, तो तस्कीन चाहिए। कहीं और चले गए तो 2-3 दिन में यार जरा सुकून आए, थोड़ा सरदर्द, ये भी चीज जरूरी नहीं कि टेंशन टेंशन। डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है यार। मैं बोला यार वो टेंशन को थोड़ा मुझे डिफाइन करके बता। साहब आके वो तो बहुत टेंशन है। बोला मुझे, मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ, तिब का, मुझे समझाओ क्या तुम क्या बोल रहे हो, टेंशन से क्या थे, एक वर्ड है क्या है टेंशन से, क्या है टेंशन से, तुम्हारी एंग्जायटी है या टेंशन क्या है। मजा टेंशन से किसी को अटैक नहीं आते, वो खाली बोलता है टेंशन से अटैक कर। टेंशन क्या चीज है, किताब खोल के रखे, वो किताब जो खोल के रखे वो है तुम्हारी लाइफ, आगे के अगले पेज में सेकंड थर्ड पेज में क्या है सोच के अभी से टेंशन ले रहे, ये बेवकूफ लोग का काम है। कल क्या होगा उसको ही टेंशन होता है, जो खोल के रखा है उसमें क्या टेंशन। तो ये भी एक टेंशन है एंग्जायटी रिलेटेड, पेशेंट से पूछ के देखो काम कर रहे है, इतना शिद्दत से इंतजार में था, एक नौकरी मिले नौकरी मिले, पूरी मन्नत मांगी है, डोनेशन दिए ये दिए, जब नौकरी मिली अभी नौकरी उसके लिए एक सरदर्द बन गई, अब ये कि कब मैं रिटायर हो जाऊं ताकि मुझे मेरा सरदर्द खत्म हो जाए। तो आदमी स्ट्रेस ऑलवेज लीड्स, तो हमेशा कहते हैं कि जो भी करा है दिल मुतमाइन हो जाए, दिमाग नहीं, दिल जो मुतमाइन है उसमें सरदर्द नहीं होता, उसमें कभी सरदर्द होता ही नहीं। तो यहाँ सफरा को तादील करने की गिजा में ज्यादातर हमने पढ़ के रखी बहुत सारे चीज है, वो पूरा लिस्ट नहीं गिन रहा, मैं एक उसूल बता। बारित रतब तमाम चीज सफरावी डिजीज के अंदर फायदेमंद है, और गर्म खुश्क तमाम गिजा तमाम तदाबीर, सिर्फ गिजा नहीं मैं तदाबीर इसलिए बोल रहे, तमाम चीज अगर आप रात में लेट सो रहे वो सफरावी है। अब लाल लाल कपड़ा पहन के या लाल वॉच लाल चश्मा लाल मोबाइल लेके दिन भर घूम रहे तो वो भी सफरा है, वो भी एक वजह है, वो एक स्ट्रेस है। तो तमाम सफरा को बढ़ाने वाली तदाबीर को बंद करो, जो कभी कभी कुछ चीज अपन हो नहीं सकते लेकिन वो भी कोशिश करो। कभी कभी ये कलर थेरेपी में बताते कि या जो बोलते हैं ना कि भविष्यवाणी ये सब बोलने वाला बोलते हैं कि जो बोलते हैं लाल रुमाल हाथ में रखा करो, या ब्लू रुमाल सफरा वालों को ब्लू रुमाल या ग्रीन रुमाल या ग्रीन स्ट्रैप या ग्रीन मोबाइल का कवर रखो, को मोबाइल आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, अगर रेड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा सर दुखेगा, थहरीक है वो, तो उसको ब्लू में कन्वर्ट करो या ग्रीन में कन्वर्ट करो, ताकि क्योंकि आजकल 24 घंटे में मैं समझता हूँ 18 घंटा पब्लिक उसी में रहता है। तो तदाबीर ऐसे याद रखो, जितने भी सफरावी डिजीज है उसमें खट्टी चीज को खाओ बोलो कम नहीं, उसमें भी दर्जा है फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री, मार कुछ भी नहीं, जो चीज खाने से आपको खट्टापन महसूस हो रहा है, सबसे अव्वल नंबर सबसे कॉमन चीज उसके लिए अल्लाह ताला ने बनाया लेमन। कभी कभी कुछ किताबों में लिखा है लेमन की किताबें बहुत सारे लोग ने लिख चुकी है, 60 मेडिसिनल फवाइद है कहते हैं इसके अंदर, 60 किससे नींबू से, लिखने वाला 60 डिजीज लिखा होगा, हम क्या बोलेंगे, दैट इज हिद्दत सफरानी, तमाम हार अमराज में फायदेमंद है, तमाम सफरावी अमराज में
ये फायदेमंद है। विटामिन सी अगर सपोज वायरल डिजीज में फायदेमंद है, लेकिन वायरल डिजीज बलगमी में तकलीफ देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे किसी को जो एकदम हार आदमी का, लेकिन बलगमी आदमी की इम्यूनिटी कम करेंगे अगर कसरत से अगर विटामिन सी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि विटामिन सी खट्टा है। मॉडर्न वाला सबको विटामिन सी लिख के देते, बलगमी को भी लिख के देते, दम्भी को भी लिख के देते, सफरा को भी लिख के देते। विटामिन सी बॉडी के अंदर खुश्की कम करता है, यानी रुतुबत को मेंटेन रखता है। आदमी बूढ़ा क्यों होते हैं, रिंगल्स क्यों होते हैं, खुश्की की वजह से। तो विटामिन सी अगर ज्यादा इस्तेमाल करने से सफरा को और सौदा को सबसे फायदेमंद है। दम्भी और बलगमी मिजाज को विटामिन सी फायदेमंद इसलिए नहीं कि वो सफरा का, ये विटामिन सी का मिजाज बारीक रत्ताब है, तरी की जरूरत नहीं दम्भी को और बलगमी को, उनको हल्का सा खुश्क दवा की जरूरत पड़ती है। तो सफरा के जो अलामतें पढ़ो मजीद मजीद मजीद, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, पहले जिस्मानी सिम्टम्स पढ़ो, फिर इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स पढ़ो, फिर इमोशनल सिम्टम्स पढ़ो, फिर स्पिरिचुअल, चार सिम्टम्स के लेयर बनाओ, फिर उसमें फिजिकल में आ जाओ, स्किन में क्या क्या सफरा प्रस्क्रेट करते हैं। कभी कभी मेलास्मा आते हैं, ब्लैकनेस आ जाते हैं, तुलसी सौदा है, नो डाउट सौदा है, सौदा से पहले वो सफरा था, वो बॉडी में हिद्दत की वजह से सफरा बढ़ के जिगर की गर्मी की वजह से यहाँ ब्लैक हो गया। अब उसको सौदा को निकालने के साथ साथ अभी सफरा का हिद्दत, सफरा के हितराक को भी रोकना है। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा गोरा होना है, अरे गोरा हो सकता है कब, जितना तुम्हारा तबही है तब, अगर गैर तबही तौर पे तुमने काला हो गया, जैसे डॉक्टर साहब मुझे शादी है, मेरी बच्ची बोलते हैं कलर थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हाइपोपिगमेंटेशन के हिसाब से कुछ तो कुछ लगा देते, तो वक्ती तौर पे पिगमेंटेशन कम होके थोड़ा सा खिल जाते, बाद में खत्म हो जाते। अगर हमने मार्केट में पड़े फलाने फेस पैकिंग के घोरा हो जाते, तो एक हकीम के तौर पे सोचिए ये हो सकता है क्या, वक्ती तौर पे सिम्टोमेटिकली मेलानिन पिगमेंट को लाइसिस लाइट कर दिया, मेलानोलाइट तो हो सकते, लेकिन सबब का इजाला नहीं किया। अब मरीज को तुम बताओ, तुम्हारी डॉक्टर साहब क्यों मेरा इधर से ब्लैक हो गया, और तुम्हारी जिगर में और तुम्हारी मैदे में हिद्दत ज्यादा है, ये फिजिकल हो गए, तुम्हारे अंदर स्ट्रेस ज्यादा है, यानी कि तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, यानी कि तुम्हारी इंटेलेक्चुअल लेयर में भी हिद्दत ज्यादा है, उसको कम करो। तुम उसको टेंशन बोलो, कुछ भी बोलो, मैं ये नहीं बोलूंगा टेंशन, हिद्दत ज्यादा है तुम्हारी सोच में, थोड़ा साइलेंट रिलैक्स कोड इमोशनल, जो आप थोड़ा सा मायूस है या आप थोड़ा सा गमगीन है, आप थोड़ा मुसर्रत में मुस्कुराहट में, थोड़ा सा तफरीह में रहो, ट्रैंगुलेसर इफेक्ट में आ जाओ, तब आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। ओके वो एलर्जिक, वो आपको बताता हूँ, एलर्जिक राइनाइटिस एक्चुअली सफरा भी है, वो एलर्जिक राइनाइटिस सफरा भी है, इसलिए उसको नजले हार भी कहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नजले की दवा में से सबसे ज्यादा उसमें शरबत खसखस, अब्बे नजला, लोग के सफिस्तान वगैरह काम करते, गर्म अब्बे शिफा से ज्यादा करता, वो भी गर्म खुश्क है इसलिए खुश्की करता, लेकिन सर्द खुश्क अच्छा काम करता है। सो बहरहाल जब हम आप उतरता है पर इसमें तो समझ में आएंगे, पूरी तो पूरी की समुंदर और बहर इसमें भी है, कहाँ से पढ़ू कहाँ से स्टार्ट करूं। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट रखेंगे सफरा के, ये आज बंद करता हूँ मैं सफरा के ताल्लुक से, सफरा की जितने भी साइन एंड सिम्टम्स अगर किसी को स्किन से स्टार्ट करो, स्किन से स्टार्ट करके सफरा जिगर में क्या करेंगे बढ़ गया तो, सफरा मैदे में क्या करेंगे, सफरा गल में क्या करेंगे, सफरा दिमाग में क्या करेंगे, सफरा नाक में क्या काम करेंगे, सफरा बाल में क्या काम करेंगे, ऐसा पढ़ते 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 आप एक वक्त ऐसा आएंगे बाबा आप हजारों बीमारी की लिस्ट लेके आए, लेकिन आप एक दवा लिख के भेजेंगे, सिर्फ एक दवा काफी, तुम्हारे जितने भी आपने सिम्टम ब्ला 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 बोल के गए सबका इलाज इस दवा में, इस परहेज में, इस लाइफस्टाइल में, आप बताओ। सो आज के लेक्चर काफी है, आज आज ज्यादा देर भी मैं दूंगा नहीं, एक बार और आपको याद दिलाना चाह रहे हैं,
रस्में दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, सब कुछ है। आज दुनिया 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 इतना डेस्परेटली परेशान है, दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, इमोशनली, अपनी सेहत के ताल्लुक से। हम जैसे अजीम शान एक तिब और एक फलसफा की जो माहिर है, माहिर लकब तो मिल चुके, लेकिन बस इसको इल्जाम लगाओ, इसको इल्जाम लगाओ, ये करो ये करो, इसी में फंसा हुआ है। दूर हो जाओ उससे, खुद के तरफ से जाती तौर पे पहले काम करो, बाद में मजमुई करो। जाती तौर पे मैं तिब के लिए क्या कर सकते हैं वो करो, मजमुई तौर पे कुछ मत करो, वो वक्त आएंगे तब तो हम करेंगे। जाती तौर पे सौतेलापन, तिब के साथ यूनानी की सौतेलापन की, हमने सौतेलापन पहले किया खुद, हमने दुनिया नहीं की, हमने अपने को स्टेप फादर या स्टेप मदर बना के सौतेलापन किया। किसी को इल्जाम मत लगाओ, खुद ट्राई करो, कम से कम एक आध सफरावी मर्ज की इलाज किया करो, या परहेज तो बताया करो, मरीज को फायदे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे रहा आज का लेक्चर? थोड़ा सा इसका भी मैं ताकि मैं सोचूं कि कितने लोग क्लास अटेंड किए, किसी लोग कुछ सुना है या कुछ है क्या। थैंक यू वेरी मच। हाँ डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, डॉक्टर मोहिनुद्दीन, मैं देवरिया उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ सर मुझे कोरोनरी हार्ट ब्लॉकेज है और मुझे चलने में दिक्कत होती है, तो सर कुछ आप थोड़ा मैं एक 5 मिनट सजेस्ट का ऑडियो रूप में डाला है, कर। हाँ व्हाट इज वो एक अलग लेक्चर हम रखेंगे कोरोना डिजीज के, लेकिन आपके लिए वो काफी रहेंगे। मैंने आपको हाँ एक 5 मिनट का एक ऑडियो डाला है कोई भी एक ग्रुप में हेल्थी वेव्स का, वो जरा सुन लीजिए ताकि आपको उसमें थोड़ा पेन जी जी ग्रुप में है, ऑडियो है सर। अस्सलाम जी। सर वालेकुम सर, एक पेशेंट ठीक है बलगमी मिजाज का है और जी मेल, 20 साल। सर उसको अच्छा जितनी जब भी गर्मी होती है तो दाने निकल जाते हैं, है बलगमी हाँ लेकिन जब जब गर्मी होती है दाने निकल जाते हैं, और जैसे कि कुछ चींटी ने काट लिया या फिर मच्छर ने काट लिया तो बहुत ज़्यादा ही स्वेल कर जाता है, रेडनेस हो जाती है, तो इसके लिए क्या दैट इज है? सफरावी डॉक्टर, उसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है मशरूब आमला एंड सफूफ किशनीसी एंड कुर्स कुश्ता गौधन। 1 महीना 1.5 महीना उसको चलाओ। ये अक्सर हमारी गर्मी के मौसम में गर्मी के दाने की ऐसे निकलता है, और ज्यादातर गर्ल्स के बच्चे जो आते हैं मच्छर काटे तो वहां निशाना पड़ जाते हैं, ब्लैक 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 निशाना हो जाते हैं, वकीलों को मच्छर काटे तो मालूम नहीं पड़ते। ये बॉडी सफरावी है, तो हमेशा एक ये बीमारी अच्छा होने के लिए कोई अच्छे एक लीवर टॉनिक दिया करो उनको। इसलिए पुराने जमाने में अच्छे अच्छे हकीम, कुछ भी डायग्नोसिस नहीं हुआ तो एक जिगर के लिए उन्नाप भी अच्छा है, जिगर के लिए दवा लिखते थे, यानी कि जिगर का कोई भी जिगर है मैदे का दवा इसलिए लिखता था, कहीं ना कहीं जाके वो अपना काम करता। ओके आई होप टुडे यू मेट अप सबा, जजाकल्ला बता रहे, थैंक यू। सब लोग सेटिस्फाइड है इस लेक्चर से, इंशाल्लाह अपन एक एक टॉपिक, क्योंकि नहीं एक्चुअली सर, ये टॉपिक ऐसा है ना, ये टॉपिक जैसे अभी आप एलोपैथी सिखाना है तो बहुत इजी है, पोलन एलर्जी सफरा भी है, यस, अगर समझिए यूनानी है, एलोपैथी सिखाना बहुत आसान है। एक लिस्ट बना के लेके आओ, उसके सिम्टम लिखो, टाइप्स लिखो, अकसाम लिखो, सिम्टम्स लिखो, डोज लिखो, मामला खत्म। हम जब एक मामले की बात करते हैं तो उसके मामले में सैकड़ों मामले अटैच रहते हैं, तो आदमी सैकड़ों चीज सीखता है एक चीज सीखने के साथ साथ। इसे बोलते हैं लेक्चर कभी छोड़ो मत, लेक्चर ये नहीं बोले कि मेरा लेक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन लेक्चर के अंदर एक चीज होता है वो आपके अंदर बढ़ जाती है, कैप अताश के अंदर खसखस है, इसलिए वो सफरावी कैप अताश है, बेहतरीन रिजल्ट है कैप अताश, ये जो एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर खसखस और रेवन चीनी है, तो एलर्जिक राइनाइटिस जो एंटीहिस्टामिन देते हैं वो सब चीज में अच्छा काम करता है। यस लुबना उजरा, यस थैंक यू। सर यूरिक एसिड के कंट्रोल, सफरावी सर यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए क्या तदाबीर बस करें? आप डॉक्टर साहब सफरावी है वो, सबसे पहले थोड़ा सा बड़े का गोश्त कम करा, रात में सोने की आदत डालो बोले 6 घंटा, जी और शरबत अनानास या अनानास खाओ,
बस काफी है अगर एक सही है मतलब अनानास के, लेकिन मरीज मुतमईन नहीं होते अनानास क्या यार मैंने जाइल ओरल खाया गाउटनिल खाया डॉक्टर बोले अनानास खाओ। अनानास सबसे बेहतरीन है एक दो पीस भी अगर खा लिया जी तो यूरिक एसिड कम होता है। जितने भी कट्टी कट्टी फ्रूट्स है वो सब चीज यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन चीज। एसिड यूरिक एसिड एटोफोरिक यस एसिड टाटारिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड सब डिफरेंट है। पब्लिक क्या सोचते हैं कि नींबू के अंदर एसिड है ये भी एसिड है क्या। थैंक यू माशाल्लाह मोहिद्दीन नजला अब्बे शिफा में क्या डिफरेंस है। कैप नजला के अंदर बारिद नजला के लिए अब्बे नजला गर्म और दोनों में इस्तेमाल करते कि अब्बे नजला में दतुरा है कैप नजला के अंदर बेसिकली खसखस है। एक नजले आर के लिए एक नजले बारिद के लिए लेकिन अब्बे शिफा दोनों में काम करता है माशाल्लाह। अपनी लेक्चर सुन सुन के महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकाम से बोला हमको तुम्हारी हेल्थी वेव के जैसे लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले ये बहुत बड़ा मुहिम है। हमने जब से स्टार्ट किया एक लेक्चर न मैं कम छोड़ा न बच्चे भी छोड़ा। एक्सेलेंट लेक्चर यस मलेका सिद्दीकी लुबना शिमास सफो किसमी सी में बेहतरीन है। वो सब टेक्स्ट पढ़ने से पहले गायब हो रहे हैं। सीना ने कुछ बताया किसने सी के ताल्लुक से। बहरहाल कितने लोग थे आज लेक्चर में सर? लगभग 100 के आसपास थे। ओके थैंक यू। इसको अच्छे से एडिट करके डाल देना जो भी हो इसके अंदर बाद में डिस्कस करेंगे।